शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कैसी हो? ये गोविंद, वो सुधा दीदी, ये है पुष्पा भाभी, गोविंद भैया की इनसे शादी हुई है। और भाभी ये है सुधा दीदी, गोविंद भैया की दोस्त। कैसी हो सुधा? सुधा, मैं जानता हूँ जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। मैं जानता हूँ कि मेरा यहाँ आने का और तुमसे कुछ कहने का हक नहीं बनता मेरा, लेकिन बोलते रहो, सुन रही। देखो, मेरा साला यहाँ आया हुआ है और मैं ये नहीं चाहता कि उसकी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हो। जाओ यहाँ से प्लीज। तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कैसे कह सकते हो? मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं रुकी हूँ, मैं अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। इस गांव में मेरी पोस्टिंग हुई है गोविंद। देखो, मैं तुमसे ये नहीं पूछती कि तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की, एक पल में इतना पराया क्यों बना दिया, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम्हारे पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है। देखो, मैं तो यहां सिर्फ समझाने आया था, आगे तुम्हारी मर्जी। शुक्रिया गोविंद नारंग, थैंक यू। देखिए ना वीर जी, इनको पता है कि आप आ रहे हो, फिर भी वो घर पर नहीं है। इससे अच्छा होता कि मेरी शादी नहीं होती। शादीशुदा होते हुए भी विधवा जैसी जिंदगी गुजार रही हूं। बस कर पुष्पा, बस कर, मेरा खून खौलता है सब सुनकर। मैं यहां दो महीना नहीं था, उसने अपने प्यार के जाल में फंस कर तुझे शादी से पहले पेट से कर दिया। इसी सदमे की वजह से बाबूजी की मौत हो गई। लानत ऐसे ट्रक ड्राइवर की नौकरी पर। अगर मैं यहां पे होता तो उस हरामजादे को यही काट डालता। अरे क्या नहीं किया बाबूजी ने उसके लिए, पढ़ाया लिखाया, समाज में रहने लायक बनाया, और उसने छह शर्माती उस हरामजादे को अपना दोस्त कहते हुए। कैसा है लक्ष्मण? खाना खाया तूने? खाने की बात छोड़, तू मेरी बहन के साथ ठीक नहीं कर रहा है। उसे उसका हक देना, वरना तू मेरा गुस्सा जानता है। चुप रहने से काम नहीं चलेगा, भूल गया क्या? बाबूजी कितना एहसान है तुझ पर। पुष्पा तेरी पत्नी है और तेरे होने वाले बच्चे की माँ। छोड़ ये सब बाहर के चक्कर। अरे तेरी जगह कोई दूसरा होता ना, गर्दन काट के मेज पे रख देता। बहुत सहन कर चुका हूँ मैं। सहन करने के लिए मैं हूँ ना वीर जी, पत्नी मैं हूँ, और हक हक उस पुलिस वाली के पास है और ये उसके। बस भी कीजिए ना आप लोग, बहुत बोल। मुझसे क्यों नहीं बात करता? अरे बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? दीवारों से नहीं बातें कर रहा हूँ मैं। ये कभी कुछ बोले हैं जो आज बोलेंगे, बस खाते रहेंगे। अरे बोलता क्यों नहीं है? अरे साले क्या कर तो देख। भैया जाने दो वीर जी, जा रहे होंगे उनकी महबूबा के पास। तू फिक्र मत कर, मैं आ गया हूं ना, एक एक से हिसाब लूंगा, चाहे वो तेरा पति हो या वो कमीनी पुलिस वाली। ओए है की तो सारी जनानियां इतो कितो आ रही हैं। ऐसी हो रिया। ओए भाई साहब, ओए रुको, ए थानेदार जी से मिल रहा है, रुको चला रुको। अरे ओ कमाल है यार, रुको भाई। ओए ए थानेदार जी, बाहर आ, ए बाहर आ। मैडम वो बाहर बहुत सी लेडी जी आपको बुला। चल आज बोलेगा ने इसको, बजाओ और जोर से बजाओ। ए आप लोगों ने बजाना क्यों बंद कर दिया? क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? ए
जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। गांव वालों, यही वो औरत है जिसने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया है। इस गंदगी को यहाँ से निकालना पड़ेगा। आज मेरा पति है, कल किसी और का होगा, ये कब तक चलेगा? ऐसी औरत को यहाँ से भगाना ही होगा। तेरी बोलती क्यों बंद हो गई रे? सांप सुन गया क्या? क्यों बहनों, आप लोग क्या चाहते कि आपके पति भी इसके साथ भाग जाए क्या? इसे गांव में रहने कोई हक नहीं है। मारो इसको, मारो, निकालो यहाँ से। सर जी, मैं गोविंदपुर तो सुखवंत सिंह बोल रहा हूँ। यहाँ लेडीज ने बहुत गड़बड़ कर दी है जी, आप जल्दी आ जाइए प्लीज सर। बस, बस बहुत हो गया, जो जी में आ रहा है बोले चले जा रहे हैं आप लोग। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। मेरी विनती है आप सबसे पीछे हट जाइए, नहीं तो मुझे सबको अरेस्ट करना पड़ेगा। मूव इट, मूव बैक, जाइए, मूव इट। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, ये मत समझना मैं तेरे से डर गया, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। चल बहना। मैडम सर की बस आ गई। जनाब। अरे साले बस वाले भी पीके चढ़ाते हैं तेरी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सॉरी सर, आपको खामखा इतनी दूर आना पड़ा। खामखा क्यों? तुम्हारे यहाँ से तो फोन आया था। क्या गड़बड़ हो गई है? जी सर, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल नाउ। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। गोविंद नारंग को जानती हो? हाँ। क्यों सर, कोई बात हो गई? किसी को बताना मत। हाँ? वो जो गोविंद की बीवी है ना, पुष्पा, वो मेरी महबूबा है। चलो इसी बहाने पुष्पा से मिल लूंगा। अरे अच्छी खासी दोस्ती यारी चल रही थी हमारी, पेट से हो गई साली, बोली शादी कर ले। मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूं, तब भी उसके बाप को बोला रखता हूं, उसका खर्चा दूंगा, बड्डा भड़क गया। ठीक है, बाद में बुड्ढे ने अपनी बातों में फंसा कर उसे गोविंद के गले बांध दिया। साला हरामखोर, हो गई गोविंद की शादी पुष्पा से। बेचारा वो तो किसी और से करने वाला था, उसने तो आज तक पुष्पा को छुआ तक नहीं, और तो और मेरे बच्चे को भी उसने अपना नाम दे दिया। यकीन नहीं होता, आला आज के जमाने में भी ऐसे लोग होते हैं। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, या ना नहीं, मैं अभी आता हूँ। क्या देख रही है पुष्पा? चांद ढूंढ रही हूं। आज करवा चौथ है ना, इन सब रिवाजों से मुझे नफरत है। करवा चौथ है तो बीवी उपास रखे। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लग रही है, और इस चांद को भी आज ही छुपना था। अरे मेरी बहन खुद चांद जैसी है, उसे चांद की क्या जरूरत, चला खाना खाते। नहीं वीर जी, पति के हाथ से खाना खाते है ना। अरे तेरा पति नहीं आएगा तो क्या भूखे मरेगी, चला खाना खाते। नहीं वीर जी, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। अब यहाँ बैठ आराम से।
हाथ से लेकर। मेरी बहना बहुत भूखी है, ये ले। याद है बचपन में हमेशा मैं तुझे अपने हाथ से खाना खिलाता था। तेरा भाई तुझे बहुत प्यार करता है। वीर जी, आप जैसा भाई हर जन्म में मिले, लेकिन ऐसा धोखेबाज पति भगवान दुश्मन को भी ना दे। तू उल्टी सीधी बातें छोड़, तू खाना खाना बेटा। नहीं वीर जी, मेरा पेट भर गया। तेरा पेट भरा होगा, लेकिन उसका आज से तुझे डबल खाना चाहिए। थोड़ा अपने लिए, थोड़ा उसके लिए, ये ले खा ले। जिद्दी हो गई है तू। वीर जी, मेरे अंदर क्या कमी है जो मेरा पति मेरे ओर देखता भी नहीं है? अरे उसकी नजरें कमजोर है जो तुझे पहचान नहीं पाया। अब बातें कम और खाना ज्यादा, ये ले। क्या हुआ? वीर जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बदमाश लात मारेगा तुझे। ए बदमाश, मेरी बहन को तकलीफ दी ना, बाहर निकलेगा तो नाक काट लूंगा तेरी। ये ले खाना खा, उसके लिए खा ले। नहीं वीर जी, पुष्पा पेट में बहुत जलन हो रही है। अरे पुष्पा, ऐसी हालत में ऐसा होता है, सब ठीक हो जाए, खाना खा ले। डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर? अरे क्या करेगी तू डॉक्टर के पास जाके? मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी वीर जी। वही तो मैं चाहता हूँ कि तू मर जाए। क्या? हाँ, इसीलिए मैंने तेरे खाने पे जहर डाल दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे सच्चाई पता चल गई है। दोषी गोविंद नहीं, दोषी तू है पुष्पा। हाँ तू, तेरे पेट में उस कमी ने पुलिस वाले का पाप पल रहा था। तेरे यार ने सर झुकल दिया तो उस हरामजादे को वहीं मार डाला। और अब तू मरेगी। मुझे बचाओ वीर जी, मुझे बचाओ। नहीं, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। तेरी इस हरकत की वजह सारे खानदान की इज्जत नीलाम हो गई। तेरी वजह से बाबूजी मर गए, तेरी वजह से माँ मर गई, तेरी वजह से मैंने उस देवता समान गोविंद पर शक किया। तेरी गलती माफी लायक नहीं है पुष्पा, तू मर जा पुष्पा, तू मर जा। वीर जी, मेरे बच्चे को तो बचा लो। नहीं, इस पाप को इस पवित्र मंदिर में जन्म नहीं लेना चाहिए, तेरे साथ देवी मरेगा। तू मर जा पुष्पा, तू मर जा। नहीं वीर जी। नहीं, तू रोएगी तो तुझे बचाने को जी करेगा। तू जानते है मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तू मर जा पुष्पा, तुझे इस पापी शरीर से छुटकारा मिल जाएगा, इसी में सबकी भलाई है। वीर जी, वीर जी। भाभी, भाभी क्या हुआ? Hey! कोई ऐसे हाथ नहीं लगाएगा। यहाँ से जा, जा। भैया, गोविंद भैया। ऐसे ही तड़प तड़प के मरेगी तू, कोई नहीं बचाएगा तुझे। पुष्पा, नहीं गोविंद, हट जाओ। लक्ष्मण, हट जाओ, हाथ मत लगा, तू जानता नहीं। पुष्पा, पुष्पा, ये तूने क्या किया लक्ष्मण, ये तूने क्या किया? तू इंसान है या जानवर? आज तक जानवर ही था, इसे मारकर इंसान बना। गोविंद, भगवान शंकर के साथ पार्वती अच्छी लगती है, ऐसी औरतें नहीं। इसकी वजह से मैंने तुझे अपने माँ बाप का कातिल समझा। कितनी बार तुझे भला बुरा कहा, लेकिन तूने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। तू महान है गोविंद, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मुझे माफ कर।